लाहौर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ खसूसी तैयारी से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म लाहौर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर पहुंच गए। इमरान खान एट क्लब में अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान वज़ीर आला और अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म से पंजाब काबीना के अरकान के नामों पर मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। पंजाब असम्बली का इजलास अराकीन को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो गईं। डेप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सप्तान खान डेप्टी स्पीकर से ओहदे का हल्फ लेंगे। इजलास से कबल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर समेत 7 आला अफसरान के तबादलों का फैसला। आईजी पंजाब ने तकर्रुर तबादलों की समरी हुकूमत को भिजवा दी। अफजाल कौसर को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर लगाने की तजवीज। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी को डीआईजी सीटीडी तैनात करने की तजवीज। एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद सयाल को एसएनजीएडी रिपोर्ट करने की तजवीज। फैसल अली राजा को डीआईजी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच पंजाब लगाने की तजवीज। अफजाल महमूद भट्ट को डीआईजी वीवीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लगाने पर गौर। वज़ीर आला परवेज इलाही का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। डेरा गाजी खान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ मियांवाली के मुतासरीन शामिल। सैलाब से जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 8 लाख इमदाद मिलेगी। घरों फसलों मवेशियों के नुकसान का तखमीना भी लगाने की हिदायत। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर का हुक्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। तरमई बादलों ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। केनाल रोड मुस्लिम टाउन कलमा चौक लिबर्टी के तरफ बारिश। मेन मार्केट गुलबर्ग फोर्ट्रेस स्टेडियम के तरफ भी बारिश। धर्मपुरा माल रोड डेविड्स रोड लक्ष्मी चौक में भी बादल जमकर बरसे। निकलसन रोड एबट रोड रेलवे स्टेशन टूबरजी गुलशन रावी समनाबाद इछरा शामनगर के तरफ भी शदीद बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। बारिश के बाद शहर का दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बारिशों के बाद कराची कोयटा से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 7 कराक्रम एक्सप्रेस 6 कराची एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। शाह हुसैन एक्सप्रेस 4 केबल मेल 3.5 और पाक बिजनेस 3 घंटे लेट। फरीद एक्सप्रेस 3 अवामी एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन 2 घंटे 40 मिनट जबकि जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। कोरोना के वार जारी। शहर में कोरोना मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 254 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 13.8% रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट के मरकजी रन की अपग्रेडेशन का मामला। नए रनवे पर जदीद A320 तैयारी की लैंडिंग का दावा। तैयारी को टैक्सी वे पर ले जाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। एयरबस 380 के लिए नए रनवे पर टैक्सी करना मुश्किल है। एयरबस 380 की लैंडिंग की सहूलत तो मौजूद है, पार्क करने की सहूलत अभी मुयस्सर नहीं है। दूसरे फेज में तैयारी की लिंक टैक्सी वे की तामीर की जाएगी। सीरीन एयर का लाहौर से कोयटा प्रवासों की बहाली का ऐलान। सीरीन एयर यकम अगस्त से लाहौर से कोयटा हफ्तावार 3 प्रवासें ऑपरेट करेगी। सीरीन एयर कोयटा के लिए मंगल जुम्मे और इतवार को 2 तरफा प्रवासें ऑपरेट करेगी। हफ्तावार 3 प्रवासों को ऑपरेट करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। विफाकी काबीना से डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की समरी मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 2.87 रुपये इजाफा हो गया। डीलर्स मार्जिन 7 रुपये हो गया। इतलाक यकुम अगस्त से होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी।
मोची गेट में इमाम बारगाह हुसैनिया से बच्चों का जुलूस बरामद। ख्वाजा मैसम अब्बास की जेर निगरानी जुलूस बरामद हुआ। नन्हे आजादारों की नोहा खवानी और मातमदारी। सैयद मुनव्वर रजा कहते हैं जुलूस की 300 साल पुरानी रवायत आज भी बरकरार है। महकमा औकाफ ने दरबार बीबी पाक दामन को आर्जी तौर पर खोल दिया। मुहर्रमुल हराम के पहले 10 रोज दरबार जायरीन के लिए खुला रहेगा। सेक्रेटरी औकाफ ने आगा शाह हुसैन कजलबाश के हमरा दरबार का दरवाजा खोला। सेक्रेटरी औकाफ मियां इब्रार अहमद ने दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया। दौरे के दौरान जायरीन के लिए होने वाले इंतजामात का जायजा लिया। अब्दुल्ला सोम्बुल चेयरमैन पीएनडी तायदाद। सैयद अली मुर्तजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकर्रर। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम लगा दिया गया। अली सरफराज हुसैन सेक्रेटरी जरात तैनात कर दिया गया। गुलबर्ग 3 की मुतअद्दिद सड़कों पर बारिश का पानी जमा। 7 अप वाल्टन रोड केवलरी ग्राउंड की सड़कों पर पानी जमा हो गया। केवलरी ग्राउंड में वासा अमला ही तैनात नहीं। आला हुकाम वासा इंतजामिया की गफलत का नोटिस ने शहरियों का मुतालबा। इधर गाजी रोड मिल्लत रोड 4 नंबर गली का सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। 15 रोज से सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका का निकास याब न होने पर वासा के खिलाफ शदीद एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान की सालगिरह। साथ ही जजेस जमुकला और अजीज औकारिब की जानिब से मुबारकबाद। और लाहौर की तारीखी LCCA ग्राउंड की सुनी गई। LCCA ग्राउंड में 9 पिचेस का स्क्वायर तैयार कर दिया गया। 14 इंच खुदाई के बाद पिचेस की तैयारी की गई। टर्निंग, बैटिंग, सिमिंग, सपोर्टिंग पिचेस तैयार की गई हैं। क्यूरेटर उस्मान अरशद ने पिचेस की तैयारी के अमल की निगरानी की। इंटर डिवीजन 3 रोजा टूर्नामेंट के मैचेस नई पिचेस पर खेले जाएंगे।